नमस्कार, मैं साहब अली और आप देख रहे हैं livecity.in। बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के कॉपियों के गायब होने का जो मामला है वो काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। जांच लगातार जारी है SIT की। इसी बीच गोपालगंज के SS बालिका विद्यालय के कैंपस से कुछ ऐसी चीज मिली है जिससे SIT को जांच में आगे काफी सफलता मिलने वाली है। दरअसल SS बालिका प्लस टू स्कूल के मूल्यांकन केंद्र में 42,400 कॉपियों के गायब होने के मामले में पांचवें दिन SIT की टीम ने पुलिस अधिकारियों के साथ स्कूल परिसर को भी खंगाला। इस दौरान पुलिस को स्कूल कैंपस की झाड़ियों से कॉपियों का 200 खाली बैग बरामद हुआ। इस पर अधिकारियों ने शिक्षकों से दोबारा पूछताछ शुरू की। प्राचार्य के करीबियों से भी पूछताछ चल रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो अब तक एक कांग्रेस नेता समेत 11 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। पूछताछ के बाद एक एक कर पुलिस उन्हें छोड़ रही है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि खुलासा बहुत करीब है। प्राचार्य प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के मोबाइल कॉल के डिटेल के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। इधर बिहार परीक्षा समिति के अलावा इस जांच पर वरीय अधिकारियों की भी नजर है। यही कारण है कि पहले से स्कूल कैंपस को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और आम लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी ऑन द रिकॉर्ड कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये SS बालिका विद्यालय के कैंपस के भीतर की तस्वीर है। इस तस्वीर में जमीन पर जिसको लाल निशान से मार्क किया गया है उसको जरा आप ध्यान से देखेंगे तो ये वो बैग है जिनमें कॉपियों को रखा गया था। तकरीबन 200 खाली बैग को बरामद किया गया है गोपालगंज SS बालिका विद्यालय के कैंपस से। आपको बता दें कि इन बैग के मिलने के बाद से SIT की टीम को जांच में आगे काफ़ी सफलता मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ इसके बाद SIT की टीम ने और लोगों से भी पूछताछ की जिसमें स्कूल के टीचर्स और स्टाफ शामिल थे। पूछताछ का सिलसिला एक बार फिर से चालू हुआ क्योंकि जब ये बैग मिले हैं तो फिर कॉपियों का सुराग भी इनसे ज़रूर मिलेगा। इसी को लेकर के SIT की टीम ने प्राचार्य के साथ साथ कई लोगों से पूछताछ की। आपको बता दें कि अभी तक फिलहाल एक कांग्रेस नेता को लेकर के 11 लोगों से पूछताछ कर चुकी है SIT और आगे भी इसमें कई खुलासे होने की उम्मीद है। SIT के अधिकारियों ने मीडिया के सामने इस बात को साझा की है कि फिलहाल कॉल डिटेल्स को खंगारा जा रहा है। जो प्रिंसिपल है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव उनके, इसके साथ ही साथ UP में जो छापेमारी हुई थी उनके आवास पर उसमें भी कुछ सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने भी नीतीश सरकार को लेकर के इस मामले में जवाब तलब किया है। उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। 4 हफ्तों का समय दिया गया है कोर्ट की तरफ से और कहा गया है कि जाँच कहाँ तक पहुँची है, इस मामले में क्या क्या और कार्रवाई हो रही है इसके बारे में आप कोर्ट को बताएं। आपको बता दें कि इधर बिहार इंटर काउंसिल के बाहर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं बिहार बोर्ड के आनंद किशोर, उनके बर्खास्तगी की मांग को लेकर के AISF के छात्रों ने भी धरना दिया था, सड़क जाम किया था, जमकर हंगामा हुआ था इंटर काउंसिल के बाहर। तो कुल मिलाकर के कॉपियों के खाली बैग के मिलने से कहीं ना कहीं और भी सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए, हम आपको इस खबर से जुड़ी और बिहार समेत देश दुनिया के तमाम खबरों से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। आप लाइव सिटीज़ की YouTube चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही साथ आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर लाइक करें।